ये भैया इसमें मैं एक इंच में अच्छा बीज डालता हूँ भैया, एक इंच गहरा में। अच्छा भैया, बीज की मोह लगा समय कौन तरफ रहता है भैया? ये ऊपर साइड रहता है भैया बीज की मोह। हाँ। अगर नीचे साइड रखा रहे तो नहीं निकल पाए भैया, सड़ जाते बीज। अच्छा भैया, तो ऊपर साइड से ऊपर साइड एक मुंह रहना चाहिए और एक इंच गहरा में लगा दिए थे भैया। ऊपर तरफ मोहला करके? हाँ, ऊपर तरफ मोहला करके। हाँ। और भुरभुरी माटी। हाँ। उसमें डाल दिए थे भैया लगाने के बाद। अच्छा। अच्छी तरह से। हाँ। और ऊपर से खाद भी डाल दिए थे भैया। अच्छा। ऐसे हल्का हल्का खाद। हाँ, हल्का हल्का खाद। और खाद डालने के बाद काम करते भैया? खाद डालने के बाद भैया पानी भरते हूँ भैया। तो मैं ऐसे तरह से पूरे गड्ढन में लगाता हूँ भैया, और पूरे खेत में यही तरह से बुआई करता हूँ भैया। मतलब लगा समय एकदम जो बीज की मोहरत है तेन ऊपर रहना चाहिए? हाँ भैया, हर गड्ढा में बीज की मोह ऊपर रहना चाहिए। अच्छा, नहीं तो फिर वो पानी पड़ने से सड़ सकते भैया। वजह से मुँह को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हाँ, ऊपर रहना चाहिए भैया। अच्छा। और सही ढंग से ध्यान में रहना चाहिए भैया, नहीं तो भूल गए तो एक बीज के बहुत नुकसान होता भैया। अब भैया मैं पानी डालता हूँ भैया। ऐसे पानी डाल देते सभी गड्ढे में भैया? हाँ भैया, लगाने के बाद? हाँ भैया, हल्का हल्का। हाँ पानी डाल दें, ज्यादा भी पानी ना डाले भैया, बीज के नीचे तक पानी ना जाए भैया। अच्छा। बस बीज तक पहुंचना चाहिए भैया। हाँ, आधा घंटा के बाद फिर पानी डाल देते भैया। जैसे ये तो डाल दे भैया पानी। हाँ भैया, आधा घंटा बाद फिर डाल दें? हाँ भैया। उसके बाद सिंचाई कितने दिन में करे भैया? सिंचाई भैया जब ये उग जाए तो पौधे निकल जाए भैया, अंकुरण है जाए। हाँ। जब जमीन से निकल के दो पत्ती है जाए भैया, चार पांच दिन बाद। हाँ, चार पांच दिन बाद। हाँ। तब मैं यहाँ नाली से पूरे सिंचाई कर हूँ भैया।